Assalamu alaikum for class. This is your English grammar lecture. Open your grammar books, page number 48. Yesterday we discussed the different types of nouns, in which we discussed the proper noun, the common noun, the collective noun and the compound noun. Today we will discuss the abstract nouns. Abstract nouns are names of things you cannot touch, taste, smell or hear. Abstract nouns उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन चीज़ों के नेम होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनको जस्ट हम अपने माइंड में उनकी परसेप्शन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ब्रेवरी, हीरोइज्म, टिमिडिटी, डिपिक्ट क्वालिटीज़, ये सब क्या हैं? डिपिक्ट क्वालिटीज़, डिपिक्ट बोलते हैं मंजर कशी करना, जिसको हम अपने दिमाग की आंख से तो देख सकते हैं लेकिन हम उसको रियल लाइफ में उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जस्ट हम अपने माइंड में उसके ख्याल बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं. ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी. बहादुरी क्या है? ये किसी की क्वालिटी होती है. हम एक्चुअली बहादुरी को टच तो नहीं कर सकते ना, हम उसकी बहादुरी के किस्से जो है वो देख सकते हैं लेकिन हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, उनको टच नहीं कर सकते. तो जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ हीरोइज़म. हीरोइज़म मीन्स शुजाना किरदार, जिसका कोई स्ट्रॉन्ग करेक्टर होता है. तो करेक्टर इज़ समथिंग विच वी कॉन्ट टच. तो ये भी क्या है? हम अपने माइंड में जस्ट इसकी परसेप्शन बना सकते हैं. तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. टिमिडिटी, डरपोक, ये भी अगेन जो है एक क्वालिटी होती है, वो अच्छी होती है बुरी, डेट डजेंट मैटर, जस्ट एक क्वालिटी होती है और इसको भी हम टच नहीं कर सकते, स्मेल, हेयर या टेस्ट नहीं कर सकते. सो दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नेक्स्ट है फियर, एंगर, जॉय आर डिपिक्ट फीलिंग्स. ये क्या है? एहसासात हैं. एहसासात मीन्स जो हमारे एहसास होते हैं, वो इनको भी जस्ट जो है हम फील कर सकते हैं, हम उनको जो है वो टच नहीं कर सकते, स्मेल, हेयर नहीं कर सकते. फियर मीन्स होप, एंगर मीन्स नाराज़गी, जॉय मीन्स खुशी. ये हम देख तो सकते हैं, अगर कोई होप में हो तो हम उसको देख के हमें पता तो चल जाता है कि डर है, लेकिन वो उसके जो होप है वो उसको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल, हेयर नहीं कर सकते, जस्ट उसको देख सकते हैं. सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नेक्स्ट इज रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है और जो नहीं है उनको हमने ऐसे ही छोड़ देना है. द फर्स्ट वर्ड इज़ एनिमल. एनिमल मीन्स जानवर. सो जानवर जो है, एनिमल जो है, उसको हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं. सो एनिमल इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज स्लेवरी. स्लेवरी मीन्स गुलामी. अगर यहाँ पे स्लेव लिखा होता, मींस गुलाम लिखा होता, तो गुलाम तो कोई इंसान होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता. लेकिन स्लेवरी क्या है? उसका एक ये क्वालिटी है, उसका मे बी उसका प्रोफेशन है गुलामी, तो हम उसको जो है वो टच स्मेल नहीं कर सकते. सो स्लेवरी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज़ किंगडम. किंगडम भी जो है ये एक पोजीशन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जस्ट उसको देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि ये बादशाहत है, मतलब जो बादशाह है उसके पास बादशाहत होती है, बादशाह को तो हम टच कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे किंग नहीं लिखा हुआ, किंगडम लिखा हुआ है. तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट इज़ मास्टरी. मास्टरी मीन्स उस्तादी. मास्टर होता, उस्ताद होता तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता, लेकिन ये उसका प्रोफेशन है उस्तादी, तो प्रोफेशन को हम जस्ट महसूस कर सकते हैं, वी कॉन्ट रियली टच, टेस्ट और स्मेल. तो मास्टरी को भी हम अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट इज़ पोवर्टी. पोवर्टी मीन्स गुर्बत. अगेन हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बट वी कॉन्ट रियली टच. पोवर्टी को भी अंडरलाइन करेंगे. प्लेयर मीन्स राहत या खुशी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. हैप्पीनेस, खुशी, अंडरलाइन. सैडनेस, उदासी, अंडरलाइन. फ्रीडम, आज़ादी, अंडरलाइन. पिक्चर, पिक्चर को हम टच कर सकते हैं, सो पिक्चर इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज़ हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स नफरत, तो नफरत को भी महसूस तो किया जा सकता है बट वी कॉन्ट रियली टच, टेस्ट और स्मेल. सो हेट्रेड को भी अंडरलाइन करेंगे. विजडम मीन्स अक्लमंदी, इसको भी अंडरलाइन करेंगे. स्टूपिडिटी, अंडरलाइन. स्टूपिडिटी मीन्स बदतमीजी. फ्रेंडशिप, दोस्ती, अंडरलाइन. एनिमिटी, दुश्मनी, उसको भी अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट इज़ एनिमी. एनिमी का मीनिंग होता है दुश्मन, तो दुश्मन तो कोई इंसान होगा ना, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होगी, उसको हम टच कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं. सो एनिमी इज़ नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको छोड़ देंगे. नेक्स्ट इज़ कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट को भी हम अंडरलाइन करेंगे. कॉन्सर्ट इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िक. म्यूज़िक का जो कॉन्सर्ट होता है जिसमें जो है सिंगर गाना गाता है और बहुत से लोग परफॉर्म करते देखते हैं उसे, सो इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, वी कॉन्ट रियली टच डैट कॉन्सर्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी अंडरलाइन करेंगे.